मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। क्या सोचते हैं किस वजह से इस प्रोडक्शन हाउस को अच्छी तरीके से आगे चलाना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ आकांक्षा को। सर सेंटर लो 12 साल से देख रहा हूँ आकांक्षा को और बहुत प्रोग्रेस किया है। मैं दुआएं करता हूँ कि जिस तरह फिल्मों में सफलता मिली आकांक्षा को उसी तरह इनके अपने प्रोडक्शन हाउस में भी मिले, बहुत तरक्की करें और हमें काम देने के लिए बुलाएंगे। सर आइए हमारे प्रोडक्शन में एज ए डायरेक्टर काम कीजिए। सर उस दिन तो मतलब मैं सक्सेस हो जाऊंगी। नो डाउट, ये दुआ करता हूँ मैं हमेशा। बट सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ। मैंने देव सर के साथ अपना पहला शो स्टार्ट करा था, अरुणा जी थी उस दिन सेट पर, उसी दिन सेट पर ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। उस दिन मैं लिटरली शिवर कर रही थी एंड धीरे धीरे काम करते करते सर के साथ बॉन्डिंग बनी। उन्होंने मुझे क्या बोला था सर, वो लाइन आज याद है, गुस्सा ना दिल में दबा के रखो और जिस दिन समय मिले उस दिन निकालना, टाइम का वेट करो। खैर आज वो लाइन उस समय मेरे लिए तो थोड़े टाइमिंग के लिए ठीक था, बट आज मुझे समझ में आया वो गुस्सा ही था जो मुझे किक देता गया लाइफ में, और अब निकालने जैसा कुछ रहा ही नहीं क्योंकि मुझे पता है वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था। और एंगर भी तो एक टाइप का आपका फोर्स ही होता है जो मुझे लाइफ में मिलता है और मैं आगे बढ़ती। सफलता मिलती है सबको, अगर कोई भी चीज़ें हर करियर के इनिशियल स्टेज में स्ट्रगल टाइम में सबको लगती कई बातें सुननी मिलती हैं, बर्दाश्त करना चाहिए और उस आग को अपने सीने में दबा के रखना चाहिए, वक्त आने पे जवाब देना चाहिए। और आकांक्षा का वक्त आ गया है, अब ये अपने बुरे टाइम का जवाब देंगे और अच्छे से जवाब देंगे और एकदम पसंद करेंगे। और मैं दुआ करूँगा और ख्वाहिश है मेरी कि आकांक्षा एक दिन फ़ोन करें जैसे आज इन्होंने इन्वाइट किया कि सर आइए मेरी अगली फिल्म में आप मेरी फिल्म को डायरेक्ट कीजिए हमारे प्रोडक्शन हाउस में और ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इन्होंने जिस तरह से नए कदम रख रहा है प्रोडक्शन हाउस के लिए, तो इसमें इनके सफर के लिए कुछ एक टिप्स आप देना चाहेंगे उनके कार्य के लिए? मैं यही टिप्स दूंगा कि शांति से, दिल से, दिमाग से काम लेते हुए सफलता की तरफ बढ़ें और हमेशा दिल से ना सोचें, कभी कभी दिमाग से भी सोचें, क्योंकि इंडस्ट्री में कई चीज़ें होती हैं हम दिल से सोचते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी दिमाग से सोचते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो दोनों चीज़ों को समंजस बिठा के रखें, दिल और दिमाग को, तो इनको फैसला लेने में कभी प्रॉब्लम नहीं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।